उसमें कल के ऑर्डर के बाद जो बहुत ज़्यादा हालात और बिगड़ गए, जो और तनाव पैदा हुआ, अचानक लोगों का पेट्रोल पंपों में जाना, दुकानों को खाली करना, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर खासकर टूरिस्टों को लेकर के फौरी तौर होटलें जो है खाली की जाएं, जिस तरह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों को जो कभी भी मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं, उन इलाकों को जिस तरह खाली किया गया और उसका जो असर बाकी लोगों पर पड़ा, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं अभी गवर्नर साहब से मिले, ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि सही जवाब हमें कहीं से मिल नहीं पाता। और हमने गवर्नर साहब से भी यही कहा, हमने कहा जनाब आप हमें कहते हो कि हम अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जहां से भी सच मालूम करने की कोशिश करते हैं हमें कहीं से पता नहीं चलता। जब हम अफसरों से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता लेकिन कुछ हो रहा है। जब हम पूछते हैं ये कुछ क्या है, वो कहते हैं कुछ, लेकिन क्या कुछ वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, जब हम पूछते हैं क्या, वो कहते हैं ये भी हम नहीं जानते। एक से पूछो वो कहता है कल, दूसरे से पूछो वो कहता है परसों, तीसरे से पूछो वो कहता है 5 दिन के अंदर अंदर। तो हमने गवर्नर साहब से कहा, जब गवर्नर साहब आप हमें बताइए ना क्या हो रहा है। गवर्नर साहब ने जो कल जारी किया बयान उसको दोबारा दोहराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने गवर्नर साहब से ये भी पूछा कि ना 35A के बारे में जो लोगों के खर्शात हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ों पर बात हो रही है, 370 को लेकर बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेकर बात हो रही है, और कल तो बहुत ही ज़्यादा ट्राइफर्केशन को लेकर लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, कोई तैयारी नहीं की जा रही है इस तरह के ऐलान के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वाजिया बयान उनके तरफ से लोगों को मुतमैन करने के लिए जो है वो जारी किया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मंडे को पार्लियामेंट लगते ही मरकज़ के तरफ से भी एक ऐसा बयान आ जाए जिससे जिसके तहत हम समझ पाएँ कि कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा ख़त्म करने का और टूरिस्टों को यहाँ से निकालने का, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और पार्लियामेंट से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बयान कहाँ से आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करे, लेकिन मेरे मेंबरों ने पहले भी इस इशू को एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो है वहाँ पे उभारा है। मैं इनसे अब गुजारिश करूँगा कि दोबारा मंडे को नोटिस दे के, खासकर कल का जो ऑर्डर है इस सिलसिले में वहाँ पे दोबारा इस इशू को जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे एक जवाब हासिल करने की। लोगों से तो मेरी इतनी ही गुजारिश होगी कि हम अपने जज्बात पे जो है काबू रखें। कुछ लोग चाहते हैं शायद कि हम कानून को अपने हाथ में लें, या सड़कों पे उतर आएँ, या माहौल बिगाड़ें जिससे कि इनका अपना मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हमें इनको इनके मकसद में कामयाबी हासिल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेरी हर इस रियासत के बाशिंदे से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि हम कूलली और कामली जो हैं सिचुएशन को डील करें। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि इस रियासत की शनाख्त, इस रियासत की खसूसी पोजीशन जो है उसको हम नुकसान होने नहीं देंगे, चाहे सियासी तौर हमें इसका मुकाबला करना पड़े, चाहे कानूनी तौर हमें इन साजिशों का मुकाबला करना पड़े, जो हम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में 35A को बचाने के लिए जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें हमारा वकील जो है वो भी काम कर रहा है। तो हम अपनी कोशिशों में कोई कमी या कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। लोगों से हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो सब्र से काम लें। और शुरू में मुझे इतना ही कहना था, मैं 2-4 सवालों का जवाब दे दूंगा। सर, आप एक एक से मिले थे, क्या कोई वहाँ से मिली आपको? यहाँ पे हर किसी को कंफ्यूजन है कि क्या होने जा रहा है, ऐसा आपने समझा कि कानूनी मशवरे भी दिए जा रहे हैं और आपने कहा कि कानून के जरिए ही कोई मसला हल होगा या कोर्ट में, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है शायद कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा उसके बाद? देखिए, जैसे मैंने कहा, देखिए गवर्नर साहब का बयान जारी होगा,
लेकिन गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि इस तरह की कोई तैयारी नहीं हुई है। और जो गवर्नर साहब ने मरकज से बात भी की है, तो मरकज में भी जिन जिन से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई तैयारी नहीं हो रही है। सर, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोई यकीन दहानी नहीं हुई कि रियासत के कुछ दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गवर्नर साहब के बयान के हवाले से बात की, जिस बयान में गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। गवर्नर साहब ने उस बयान के हवाले से बात की। गवर्नर साहब ने खुद हमें कहा कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं यहाँ पे, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ माहौल में कोई भी खराबी आए। वो इस बात से मुतमइन थे कि ये साल जो है पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा। और मैं आपसे ये कहूं कि उस मीटिंग के बाद तो हम मुतमइन होकर बाहर निकले, लेकिन मुझे खत्म करने दीजिए ना आप। लेकिन उस मीटिंग के बाद मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर के तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इतना कोई खतरा है जिसके लिए यात्रा को भी बंद करना पड़ेगा और टूरिस्टों को भी यहां से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से हुई वो हुई, जो हमें जो अश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर से मिला, हम जो हमने प्राइम मिनिस्टर से सुना 35A के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद तो ये ऑर्डर जारी हुआ, तभी हम कह रहे हैं कि ना, हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेकर और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में।